भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए की नोट पर पाबंदी लगा दी है। आगामी 30 सितंबर तक जिसके पास भी 2000 के नोट हैं, वो बैंकों में जमा करवा सकते हैं। अब तक ये 2000 चलन में बनी रहेगी। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद जिन लोगों के पास भी 2000 के नोट हैं, वो लोग उनको लेकर परेशान भी नजर आ रहे हैं। इस बीच 2000 की नोटबंदी से ज्वेलरी कारोबार में आशंक रूप से कई शहरों में नई चमक देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया है। आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद गुजरात में सोना महंगा होने की बातों का ज्वेलर्स एसोसिएशन में अखंड किया गया है। उनका कहना है कि सोना खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या और पूछ बढ़ रही है। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि 2000 रुपए के नोट से खरीदी होगी या नहीं। राजस्थान के भरतपुर पुलिस का ट्वीट किया गया है कि वीडियो और उसके साथ दिया गया कैप्शन तेजी से वायरल हो रहा है। ट्वीट किए गए वीडियो में फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला एक बदमाश नजर आ रहा है। इस ट्वीट में भरतपुर पुलिस ने कैप्शन में लिखा है, डॉन हो या पुष्पा, पुलिस के आगे झुकेगा भी और टूटेगा भी। पुलिस विभाग का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले को सख्त सजा मिलेगी। दरअसल कुछ दिनों पहले एक आरोपी ने एक व्यक्ति पर अगाड़ी गर्ल्स कॉलेज के पास फायरिंग कर दी थी। इस हमले में व्यक्ति घायल हो गया था, उनकी जान जाने से बच गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक बंटी ने फेसबुक पर अपना फोटो पोस्ट किया था, जिसमें वह हाथ में हथियार लिए नजर आ रहा था। घटना के बाद से ही भरतपुर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। उसकी धरपकड़ के लिए रेड डाली गई थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही फायरिंग में घटना में उपयोग हथियार भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बंटी बाढ़ थाना चिकित्सालय में नगला खुशहाल का रहने वाला था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की बेटी जाह्नवी मेहता ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। एक्ट्रेस ने शुक्रवार को ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की है। वहीं जूही के पोस्ट पर शाहरुख खान ने भी रिप्लाई करते हुए उन्हें और उनकी बेटी को शुभकामनाएं दी हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान जूही चावला ने बताया कि उनकी बेटी जाह्नवी मेहता दूसरे स्टार किड से बिल्कुल अलग है। हमारे आसपास में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे फलों के राजा आम के सीजन का इंतजार ना रहता हो। वैसे तो आम की कई वैरायटी आती है, लेकिन आज आपको एक ऐसे आम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत लाखों में होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मियाजाकी आम, जिसे दुनिया का सबसे महंगा आम कहा गया है। उसकी कीमत 2.70 लाख प्रति किलो है, जिसकी बागवानी जापान में मियाजाकी शहर में की जाती है। लेकिन समय के साथ साथ अब इसकी बागवानी भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसे देशों में भी की जाने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये आम अब पूरी तरह से पक जाता है तो इसका वजन 900 ग्राम तक पहुंच जाता है। पकने के साथ ही इसका रंग हल्का लाल और पीला हो जाता है। एक शख्स ने इस दावा किया है, जिसे सुनकर किसी भी के होश उड़ जाए। इसका कहना है कि वो टाइम मशीन में बैठकर साल 2047 से 2022 में आया है। इसके बाद से वो यहाँ एक आविष्कार पर काम कर रहा है। उसने बताया कि 2047 में उसे धोखा मिला और नौकरी से निकाल दिया गया। इसी वजह से वो सारी जानकारी देने के लिए अपने युवा रूप में से मिलने के लिए 2022 में आया है। सबूत के तौर पर इस शख्स ने अपने युवा रूप के साथ एक वीडियो YouTube पर शेयर किया है। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो में दोनों का चेहरा ब्लर दिख रहा है। इसमें मैचिंग टैटू भी नजर आ रहे हैं। इस शख्स का नाम माइक विलियम्स है। उनका कहना है कि वह 2047 से आए हैं। वह भविष्य में इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल रियलिटी बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते हैं, जो 2025 में मशहूर होगी। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में गर्मी अपने चरम पर है, साथ ही हीट वेव भी कहर बरपा रही है। दिन भर चिलचिलाती धूप और लू का सितम परेशान कर रहा है। वहीं देर रात तक तड़पते सुबह में भी कोई राहत नहीं मिल रही है।
बढ़ता तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वालों के लिए गर्मी से राहत की खबर दी है। IMD के मुताबिक अब इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली में आज से 27 मई तक बारिश के आसार बन रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में एक महिला ने बताया खुद के ऊपर फेक ब्लड डालकर सनसनी मचा दी। बताया जा रहा है कि महिला ने ऐसा यूक्रेन के समर्थन देने के लिए किया है। महिला ने इस दौरान यूक्रेन झंडे के रंग वाली नीली और पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है। हालांकि महिला कौन है इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान जल्द ही नया होटल शुरुआत करने वाले हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार एक्ट्रेस सलमान खान मुंबई के किसी प्राइम लोकेशन पर होटल बनाएंगे। प्रस्तावित होटल 19 मंजिलों का होगा। खबर में यह दावा भी किया गया है कि BMC ने समुद्र किनारे क्वार्टर रोड पर एक होटल बनाने की प्रस्ताव मंजूरी दी है। जिस जमीन पर होटल का निर्माण होगा वह सलमान खान की माँ की नाम से सलमा खान के नाम से होगा।